welcome back to another video of Economics on a Tips. आज वैसे तो मैंने सोचा था कि आज अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे, पर मैंने नए चैप्टर को थोड़ा डिले में छोड़ा है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा पुराने वाले का कनेक्टिंग में डॉट्स बता देता हूँ. मैंने सोचा कि टेबुलर प्रेजेंटेशन वाला पार्ट अपन पढ़ लेंगे, बट आई थॉट कि यार ये क्यों छोड़े, जब हम कर ही रहे हैं पूरा तो पूरा ही करके चलते हैं. तो चलिए आज आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ कन्वर्जन से रिलेटेड, और जैसा कि कल कहा था मोर देन वाली सीरीज को किस तरीके से सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं वो टॉपिक आपके लिए लेके आया. क्या होता है कि हम समझते टाइम सब समझ लेते हैं, करते टाइम सब भूल जाते हैं. इसलिए समझते टाइम समझ लिया था, करते टाइम भी समझ लेते हैं. तो भाई समझ को समझो. हाँ जी, तो आगे बढ़े. चलिए तो पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्जन की सीरीज को वापस से देख लेते हैं, देन मोर देन को एक सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करने के बारे में बात करेंगे. चलिए शुरू करते. पहला आपको दे रखे हैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स 19 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39 and 40 to 44, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 276, 276, 23. ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें सबसे पहले ये बताना है कितने बच्चों के 35 से कम मार्क्स आए थे, देन इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज. गाइस पहले तो आप ये सीरीज देख के बताओ भाई कौन सी टाइप की सीरीज है. इट इज अ इंक्लूसिव सीरीज. इंक्लूसिव सीरीज का मतलब एक ऐसी सीरीज जहां अपर और लोअर दोनों टाइप की लिमिट उसी सीरीज में काउंट कर ली जाती है, यानी कि जहां 19 भी पहली क्लास में काउंट की जाएगी और 24 भी पहली क्लास में ही काउंट कर ली जाएगी. ठीक है, और बेसिक इसको पहचानने का एक तरीका क्या है कि हर क्लास के लास्ट इंटरवल और उसके अगली क्लास के, मतलब इसके अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. यहाँ 1 का डिफरेंस है, 2 का, 3 का, कितने का भी हो सकता है, मतलब कंटिन्यूशन में आपकी क्लासेस नहीं होगी, ब्रेक होकर क्लासेस चलेंगी. ठीक है, और पहला काम क्या है, सबसे पहला तो ये बताओ कितने स्टूडेंट्स जो है उनके 35 से कम मार्क्स आए. फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज गॉट लेस देन 35 मार्क्स. देखो भाई सिंपल है, तो बड़ा आसान था, मैंने बस ऐसे दे दिया आप लोगों को. 35 से कम नंबर का मतलब ये 35 और उससे ज्यादा है, 35 से लेकर 44 मार्क्स इतने हैं. 35 से कम का मतलब क्या है, ये 3. सिंपल है, 35 से कम का मतलब ये 3. तो भाई कैसे हुए 3, 6, 7 and 2, 6 और 7 13 और 2 15. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 35 से कम नंबर आए. इट्स अ नॉर्मल थिंग, इसमें कुछ समझने का नहीं था. समझने का और आपको प्रैक्टिस कराने का काम है मेरा एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना. ठीक है, वैसे तो मैंने पहले बता दिया था किस तरीके से करना है, पर आज एक बार वापस से बता देता हूं. ठीक है, तो इसको मैं जाता हूं एक्सक्लूसिव सीरीज के फॉर्मूले से सॉल्व कर. कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज को, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना पड़ता है डिफरेंस. फर्स्ट हम ये पता करेंगे कि डिफरेंस कितना है. डिफरेंस किन चीज में, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास, हर क्लास की डिफरेंस हमें निकालना है. डिफरेंस किसका, अपर लिमिट ऑफ nth क्लास और किसका, लोअर लिमिट ऑफ n+1th क्लास. अब इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, मेरे को फॉर्मूला लिखवाना था इसलिए मैंने ये करवाया आपको. लोअर लिमिट ऑफ n+1, यानी अगर मैं पहले का निकाल रहा हूं तो पहला प्लस दूसरा, फर्स्ट जैसे सेकंड, n मतलब नंबर ऑफ क्लास कौन सी ले रहे हो, जैसे मैं इसको ये ले लू तो n+1 मतलब इसके अगली बार, ये वाली लेनी तो n+1 मतलब इसके अगली वाली. ठीक है, इसकी लोअर लिमिट, इसके अगले वाले की लोअर लिमिट, यानी कि यहां कर लेते हैं अपन, किसी में भी ले लो, मैं फर्स्ट और सेकंड से लेता हूं, माइनस अपर लिमिट ऑफ nth क्लास. nth मतलब जो देख रहे थे, n+1 अगर ये क्लास है तो n मतलब इसके ऊपर वाली, इसकी अपर लिमिट कितनी है भाई, 24. इससे आ जाएगा आपका डिफरेंस. डिफरेंस कितना आया, 4. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड द डिफरेंस बाय 2. दो से उस डिफरेंस को डिवाइड कर दो, दैट इज 1/2 यानी 0.5. अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट
फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ एवरी क्लास एंड एड टू, यार टू का मतलब क्या है, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में जो आंसर आया ना वो, फ्रॉम या टू अपर लिमिट ऑफ एवरी क्लास, यानी कि हमें करना क्या है, हमें जो टू में आंसर आया यानी कि 0.5 है इसको लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में जोड़ना है हर क्लास में, ठीक है। या इसको कंफ्यूज मत होना, जो आपका यहां आंसर आया 0.5 आप 0.5 लिख दो, कोई इशू नहीं, यानी कि इस हर लोअर लिमिट में से 0.5 हटाओ और यहां ले जाके उसको जोड़ दो, आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं इसके आगे कर रहा हूं, ठीक है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट होगी। देखो लोअर लिमिट में से 0.5 हटाना है तो 19 में से 0.5 गए तो 18.5 और 24 में 0.5 जुड़ गए तो 24.5। अगले में 25 में से गए तो 24.5 और अगले में जुड़ गए तो 29.5, ठीक है। वैसे ही 29.5 34.5, 34.5 39.5, 39.5 से लेकर 44.5, ठीक है। ये क्या बन गया, आप देखो ये सीरीज कैसी बन गई आपकी एक्सपोनेंशियल सीरीज, यानी कि दोनों चीजें क्या है बराबर, लोअर लिमिट ऑफ एन प्लस वन क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ एनथ क्लास इज इक्वल, दोनों सेम है हर क्लास, तो ये कौन सी सीरीज बन गई, इट हैज नाउ बीन कन्वर्टेड टू एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज से कौन सी बन गई, एक्सक्लूसिव सीरीज में ये कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो हमारा मेन काम क्या था कि आपको ये फॉर्मूला मैं बता दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था सर फॉर्मूला लिखना है क्या, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कब लिखना है, तो वो चीजें मैंने आपको बता दी हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका, एक क्वेश्चन और है छोटा सा, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वो है आपका मोर देन का क्वेश्चन, कल अपन ने लेस देन वाला क्वेश्चन करा था कि लेस देन सीरीज को हाउ टू कन्वर्ट लेस देन सीरीज इनटू अ नॉर्मल सीरीज। आज अपन हाउ टू कन्वर्ट अ नॉर्मल सीरीज, हाउ टू कन्वर्ट अ मोर देन सीरीज इनटू अ नॉर्मल सीरीज, कि भाई मोर देन सीरीज को नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो भाई पहले तो कल की वीडियो जाके देखो जिसमें अपन ने मोर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे मोर देन को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं यहीं इसके नीचे बना देता हूं या चलो आगे कर ले, कहीं भी कर लो, यही आगे लेते हैं, हाँ आगे लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, मोर देन की जो शुरुआत होती है वो लोअर लिमिट से शुरुआत होती है। अपन ने कल ही पढ़ा है कि लेस देन जो भी लिखते हैं लेस देन 5 बोला तो यानी कि 5 अपर लिमिट है क्लास, और अगर मोर देन वर्ड आता है तो मोर देन जिसके भी आगे से मोर देन 0 लिखा यानी कि 0 क्या है इस वाली क्लास की लोअर लिमिट है, मोर देन 5 लिखा है तो यानी कि 5 क्या है इस वाली क्लास की लोअर लिमिट है। तो हर क्लास की लोअर लिमिट मोर देन से शुरू होती है, हर क्लास की अपर लिमिट लेस देन से शुरू होती है। अब यहां देखो क्या लिखा है, सबसे पहले अपन पता करेंगे हर क्लास का क्लास इंटरवल कितना है, कितने कितने का गैप है, कितना 5 से 10, जैसे 5 का हो गया, 5 से 50 है तो भाई 45 का हो गया, कितने का डिफरेंस है हर क्लास में, यहां कितने का डिफरेंस चल रहा है 5-5, यानी कि जो आपको क्लास इंटरवल बनेगा वो इस सीरीज में बनेगा, समझो इस सीरीज का मतलब 5-5 का गैप होगा। अब कैसे पता लगा रहे, देखो बड़ा आसान है, हाउ टू फाइंड आउट कि क्लास इंटरवल क्या है, मोर देन के आगे जो नंबर है वो लोअर लिमिट डिनोट करता है, तो भाई लोअर लिमिट देखो पहले की लोअर लिमिट, सबकी मैंने लोअर लिमिट ली थी, अब इनकी अपर लिमिट पता लगाना बहुत आसान, पहले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट बन जाएगी ड्यू टू एक्सक्लूसिव सीरीज होंगी, हमेशा इंक्लूसिव का काम नहीं होता, तो भाई पहले की जो अपर लिमिट है वो दूसरे की लोअर, अब भाई इसकी लोअर कितनी दिख रही है 5, तो यानी कि इसकी अपर भी कितनी होगी 5, सिमिलरली इसके आगे कुछ नहीं है, 5-5 का डिफरेंस है तो मैंने क्या ले लिया 35, यहां तक तो बड़ा आसान था। बात करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हाउ टू फाइंड आउट, बड़ा ध्यान से देखना, मैं पहले कह रहा हूं लॉजिक से काम करेंगे, रटने से काम नहीं करेंगे कि मोर देन में जोड़ते जाओ उसमें घटाते जाओ, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान से सुनो,
मोर देन जीरो, जीरो से ज्यादा कितने? 55 बच्चे। जीरो से ज्यादा कितने बच्चे हैं? 55 बच्चे। देखो ध्यान समझना, मैंने एक पूरी क्लास में बोला जीरो से ज्यादा मार्क्स किसके हैं? 55 बच्चे आ गए मेरे पास। यानी कि उन 55 बच्चों में जीरो से पांच वाले भी हैं, पांच से दस वाले भी हैं, और ये सारे के सारे हो गए सारे। अब मैंने क्या बोला अगला, मोर देन फाइव, पांच से ज्यादा वाले कितने हैं? वो यहां रुको, बाकी सब चले जाओ। पांच से ज्यादा वाले कितने हैं? वो यहां रुको, बाकी सब चले जाओ। पांच से ज्यादा वाले कितने थे? 51 बचे। जीरो से ज्यादा में 55 आए थे, मैंने बोला पांच से ज्यादा वाले रुको, बाकी सब निकल जाओ, 51 रह गए। तो यानी कि कितने बच्चे निकल गए? चार बच्चे निकल गए, जो कि जीरो से ज्यादा में तो आए थे पर पांच से ज्यादा में नहीं है। यानी कि उन चार बच्चों के जो मार्क्स हैं वो आपके कितने हैं? जीरो से पांच। कितने हैं आपके? जीरो से पांच। जीरो से पांच मार्क्स कितने बच्चों में हैं? चार बच्चों। ठीक है, अब देखो मैंने बोला दस से ज्यादा वाले रुको, बाकी सब निकल लो। दस से ज्यादा वाले रुको, बाकी सब निकल लो। पांच से ज्यादा में कितने बच्चे खड़े थे मेरे पास? 51 बच्चे खड़े थे पांच से ज्यादा में। दस से ज्यादा में सिर्फ 43 रह गए, यानी कि पांच से दस के बीच में कितने बच्चे चल दिए? आठ बच्चे निकल गए। सिंपल था, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। आगे मैंने बोला मोर देन 15, 15 से ज्यादा वाले बच्चे यहां रुकेंगे, बाकी सब गायब हो जाओ। 15 से ज्यादा वाले बच्चे यहां रुकेंगे, बाकी सब गायब हो जाओ। 10 से ज्यादा में 43 बच्चे खड़े हुए थे मेरे पास, 15 से ज्यादा में सिर्फ 28 रह गए। यानी कि 10 से 15 वाले बच्चे चले गए, 10 से 15 वाले कितने बच्चे चले गए? कितने बच्चे गायब हो गए? 15 बच्चे गायब हो गए। मैंने बोला मोर देन 20 वाले बाहर को, बाकी सब निकल लो। अब भाई मोर देन 15 में 28 बच्चे मेरे पास खड़े हुए थे, मोर देन 20 की जैसे ही बात करी 16 रह गए, यानी कि 12 बच्चे ऐसे थे जो कि अब 15 से 20 में चले गए। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बड़ा आसान है। आगे मैंने बोला मोर देन 25, 25 से ज्यादा वाले यहां रुकेंगे, बाकी सब गायब हो गए। 20 से ज्यादा में 16 बच्चे खड़े हुए थे, 25 से ज्यादा का नाम लिया तो 6 रह गए। यानी कि 20 से 25 के कितने गायब हो गए? 10। मोर देन 30 की बात करी तो सब गायब हो गए। 25 से ज्यादा में 6 बच्चे खड़े हुए थे, 30 से ज्यादा की बात करी मोर देन 30 की तो सारे के सारे गायब हो गए। यानी कि बाकी जितने भी थे वो 25 से 30 में थे, और 30 से 35 में जब कुछ भी नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और ये आपकी सीरीज हो गई इन अ सिंपल सीरीज, इन अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर दिया है हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। करने का तरीका बड़ा आसान था, ये निकाल लो उसके बाद माइनस कर, बस ये माइनस करते चलो याद है। पर मैं नहीं फॉलो करूंगा इसको, क्योंकि मोर देन में आप क्या क्या रखोगे? लेस देन में ऐड करना है, मोर देन में माइनस करना है, बनाते टाइम उल्टा करना है, करते टाइम माइनस उल्टा करना है। तो इससे अच्छा है कि आप चीजों को समझिए, और जैसे जैसे चीजों को समझेंगे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, डू लाइक कमेंट शेयर एंड